हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सैफी फिलोसफी चैनल में। आज हम हियरिंग और लिसनिंग पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड्स हैं, बहुत ही सिमिलर है, या इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं कि दोनों इनका एक ही मीनिंग है। देखिए, मीनिंग में बहुत ही एक डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंस क्या है। देखिए, हियर कहते हैं किसी भी चीज़ को सुन लेना, बस, यानी जो आवाज़ें आपके कानों में पड़ती हैं वो सब हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग कहते हैं के टू हियर अटेंटिवली, किसी की भी बात को ध्यान से सुनना, इसे लिसनिंग कहते हैं। और जब भी फिलोसोफर्स बात करते हैं सुनने की, तो वो जो मीनिंग लेते हैं वो लिसनिंग का लेते हैं, यानी लिसनिंग जो है उसी से फायदा है आपको, हियरिंग से फायदा नहीं है। यूं तो आपके कानों में पता नहीं कितनी आवाजें पड़ती हैं, लेकिन जब तक वो लिसनिंग नहीं होगी आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। और सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, वो फिर एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हम लिसनिंग की बात करेंगे। देखिए, जब कोई आपसे बात करे तो सबसे पहले आप आई कॉन्टेक्ट बनाइए उसकी तरफ। अगर आप उसके तरफ आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाएंगे ना, तो उसका उसे लगेगा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अटेंटिव नहीं है, और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो आपको जो नॉलेज देने वाला है ना, वो देना बंद कर देगा। एक जो स्टूडेंट होता है ना डिजायरस, उसकी जो आंखों में डिजायर अलग ही दिख जाती है, वो सुनता है एक बात बहुत ध्यान से। जब टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट सुन नहीं रहे होते, तो ये टीचर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो यही वजह है कि जो लोग लिसनिंग नहीं करते, सिर्फ हियरिंग बस सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर देम। तो लिसनिंग आप कीजिए, और लिसनिंग इज बेटर देन टॉकिंग, ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश की, कि सुनना बोलने से ज्यादा बेहतर है। जो इंसान ध्यान से सुनता है, सो बिलीव मी कि वो ही अच्छा बोल सकता है, और जो स्टूडेंट नहीं सुनता वो नहीं बोल सकता अच्छा। और आजकल स्टूडेंट जब बातें करना शुरू करते हैं तो वो ये भी नहीं देख पाते कि हम बात क्या कर रहे हैं, बाद में वो सॉरी और ये सब एक्सक्यूज करते रहते हैं। तो आप बोलने से पहले सोचिए, और जितनी बार हो सके सोचिए, क्योंकि जो वर्ड्स एक बार आपने बोल दिया कभी वापस नहीं आता। ऐसी कहावत है कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए लफ्ज कभी वापस नहीं आते, और फिर उन्हें अपनी तरीके से तोड़ा और मरोड़ा जाता है, उन्हें अलग तरीके से पेश किया जाता है, और फिर आप कहते हैं ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था। तो इससे बेहतर है कि पहले आप सोचिए, और सोचने का जो प्रोसेस है ना, वो पहले सुनने से शुरू होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, आप उस पर तभी विचार करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। सो किसी भी बात को लाइटली मत लीजिए, पता नहीं किसकी बात में क्या पॉइंट मिल जाए। एक बहुत बड़े फिलोसफर है खलील जिब्रान, ये लेबनीज है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने जो नॉलेज है वो कहाँ से हासिल की, तो बड़ा ही प्यारा और बहुत ही एक अच्छा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो नॉलेज सीखी है ना, मैंने वो फूल स्टूपिड लोगों से सीखी है, यानी बेवकूफ लोगों से मैंने नॉलेज हासिल की है। तो किसी ने पूछा कि ये तो इम्पॉसिबल है, आप कैसे कह सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि बेवकूफ से आपने नॉलेज ली है और इतनी सारी बुक्स लिख दी है, इतने बड़े फिलोसफर हैं आप। तो खलील जिब्रान ने जो जवाब दिया वो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि मैंने जो बेवकूफ लोग काम करते हैं ना, जो भी वो बातें करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, मैंने ही कसम खा ली थी मुझे वही काम नहीं करने। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि बेवकूफ लोग जो काम करेंगे, अगर मैं वो ना करूं तो ये मुझे अकलमंदी की तरफ ले जाएगा। सो अब आप देखिए, आप बेवकूफ से भी कुछ सीख सकते हैं। हर इंसान एक टीचर है, ये पूरी यूनिवर्स का हर पार्ट ये एक टीचर है, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। तो आप जो बात कर रहा है ना, आप उसके वर्ड्स पे गौर कीजिए, फिर आप उस चीज को भी सुन लेंगे जो वो नहीं बोल रहा या जो उसका मीनिंग है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको ये चीज बताई है, और अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन और उसके बाद फिर उसे अप्लाई कैसे करते हैं, जो नॉलेज हम लेते हैं उसे अप्लाई करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। टिल देन, बाय बाय।